नमस्ते इंडिया काबुल का अरे वाह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में पताया में। जैसे कि आप सभी को पता है इस वक्त मैं और रितिका है पताया। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोरल आइलैंड, जो कि एक मस्ट विजिट प्लेस है पताया। जब भी कोई आता है बींग अ सोलो ट्रैवलर तो इतने नहीं जाते, लेकिन हाँ कपल के हिसाब से आते हैं, फैमिली के हिसाब से आते हैं, तो कोरल आइलैंड बहुत ही शानदार माना जाता है। मेरे लिए भी ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होगा। एनीवेज कोरल आइलैंड टूर करने से पहले ना हमारे जो होटल है ट्रैवल लॉज में हम आए थे राइट, तो वहीं पे ऊपर आए 8th फ्लोर पे जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है जो हमने मज़े करे थे, है ना। तो आज हम आए हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद गाड़ी आ जाएगी 20 मिनट में, तो फिर रवाना हो जाएगी कोरल आइलैंड। बता दूं कि ब्रेकफास्ट में ना यहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस के हिसाब से होता है, लेकिन हमने कल ही बता दिया था रिसेप्शन में कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो फ्रूट्स कॉर्नफ्लेक्स और ये तो रहता ही है हमेशा, लेकिन उसके अलावा कुछ ऑप्शन दे देना। तो उन्होंने कहा कि हम वेजिटेबल फ्राई राइस आपके लिए अलग से बना देंगे, तो फेयर इनफ हो गया, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से ना। Hand for? We cook. You come to member Travelodge. What TL? TL means? Travelodge. Travelodge. And V2 means? Oh, BTS ka V? Ala na pa. Ala, ha? Van 2. अच्छा ऐसा कुछ है क्या? राखी पहना रहे आपको? राखी नहीं पहना रहे, वो कोई बैंड है कोरल आइलैंड का। हाँ भाई राखी, बस तुम खुश ना तो राखी बस। ये लो तुमको भी पहना देती है दीदी, बस देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पानी साफ सुथरा है ना, लेकिन भीड़ सिर्फ इंडियंस की मिल रही है लगभग। तो मैडम आगे बैठ रही हो, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बम्पी होने को तैयार हो जाए, मतलब बम्पी राइड होगी आगे। जिसको पेट वगैरह में तकलीफ होती है, जो एज वाले रहते हैं ना उनको आगे नहीं बैठना चाहिए आगे, मतलब फिफी आइलैंड भी कहता ना सिर्फ 4 लोग को अलाउड करते हैं, अभी भी 4 लोग है, जैसे कि 2 और वो अंदर लोग पब्लिक बोल रहे हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, उनको आगे नंबर आएगा है ना। तो अभी भाई जी ने एक्सप्लेनेशन दिया, जो टूर लेके जाते हैं ना कोरल आइलैंड के, उन्होंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि हम 5 मिनट राइड करके आ गए हैं ये पोर्ट पे। बेसिकली कैसा था कि कोरल आइलैंड का जो ट्रिप स्टार्ट होता है ना वो पताया सिटी से होता है, 5 मिनट की बोट राइड होती है जिसमें हम आए, और ये पहला पोर्ट है यहाँ पे, सिर्फ होता है पैरासेलिंग, जिस जिसको पैरासेलिंग करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोरल आइलैंड पैकेज रहता है ना इसमें सिर्फ आना जाना और लंच इंक्लूड रहता है, इसके अलावा ये एक्टिविटीज आपको अलग से परचेस करनी रहती है। जैसे पैरासेलिंग का रेट है 800 baht, इंडियन करेंसी में हो जाता है 2000 rupees, गोवा से कंपेयर करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन वही बात है अगर आप इधर तक आते हो और फिर करना चाहते हो, कभी किया नहीं है तो कर सकते हो। इसके अलावा 3 एक्टिविटीज़ और होती है, जो कि यहाँ से 20 मिनट्स हम राइड करके जाएंगे कोरल आइलैंड। अब तक कोरल आइलैंड पहुँचे नहीं है, ये तक प्लेटफॉर्म है पैरासेलिंग के लिए। कोरल आइलैंड का नाम है कोलान आइलैंड, कोलान बेसिकली उसका नाम है। तो वहाँ पे और 3 एक्टिविटी होगी, एक तो अंडर वाटर वॉकिंग जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, हाँ बनाना बोट राइड है, बनाना बोट राइड अंडर वाटर का एक है ना, नहीं जेट स्की, वो तो मैंने बोल दिया ना, अंडर वाटर जेट स्की और बनाना बोट राइड, ये 3 एक्टिविटी वहाँ होगी। तो ये चारों अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 2500 baht, यानी इंडियन करेंसी में हो गया 6500 रुपया, तकरीबन 6500-7000 रुपया हो जाता है पर पर्सन, वही बात है।
लेकिन यहाँ पे ना हम ज्यादा कुछ करने का सोच नहीं रहे, एक्टिविटी लेने का सोच नहीं रहे। इसका कारण ये है कि हम ऑलरेडी यहाँ से अभी थर्ड कंट्री जो जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले, वाटर से रिलेटेड या फिर कुछ भी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं करते, बस कोरल आइलैंड को, कोलान आइलैंड को एक्सप्लोर कर लेते, देख लेते क्या है और इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर कर लेते। तो ये जो पैकेज देता है नॉमिनल पैकेज देता है, जिसमें पिकअप ड्रॉप आपके होटल से और ये स्पीड बोट वगैरह और लंच जो आप करोगे एंड में वो इंक्लूडेड रहता है। तो अगर इसका रेट वेट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा नॉमिनल पैकेज है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ अर्श भाई का, जो बैंकॉक ही रहते हैं, उनका ट्रैवल एजेंसी है डिस्कवर थाईलैंड, तो काफ़ी अच्छे रेट्स में आपको पैकेज मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं उनसे। गाइज ये हम पहुंच गए हैं कोलान आइलैंड, यानी कि आपका कोरल आइलैंड। चलो आधा घंटा हो आते ना, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते, ये आइलैंड को देख लेते ना। चलो आ जाओ, मार्केट भी है, तो है ना मार्केट। चलो, ये तो छोटा छोटा आइलैंड रहता है टूरिस्टों के लिए, तो रहता है इसमें मार्केट, चार्केट, डार्केट, लार्केट सब रहता है। अरे भाई इधर तो मोटर बाइक भी रेंट में मिलती है, मतलब मेरे को तो लगा कोरल आइलैंड छोटा रहेगा, लेकिन ये देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब टकाटक बनाया है इन्होंने, मस्त है ना। कितने का पूछो ना, भाव भाव पूछो, थोड़ा बार्गेनिंग वार्गेनिंग करना अपने स्टाइल में, 150 का दो देगा ऐसा बोलो। चलो आराम से सेट हो जाओ, 100 baht ले रहा है ये, वैसे तो एक घंटा ही है हम यहाँ पे, लेकिन घूमे फिरे वो चेयर पे बैठे, फ्री वाली चेयर, बिकॉज ये थप्पा लगा है ना, कहा गया हाँ ये रहा थप्पा लगता है, तो वो चेयर पे फ्री बैठने देते, लेकिन पानी वानी आ रहा है, शूज सब गंदे हो रहे हैं, इससे अच्छा 100 baht का यही ले लो, है ना। देखकर एक ही खरीदा था, लेकिन हम दोनों कब से, मतलब मैं भी अलग से बेंच पे सो रहा हूँ, वो भी अलग से बेंच में, आधे घंटे से मजे कर रहे हैं ना, वसूल हो रहा है अच्छे से। मैडम कैसा लगा, रिलैक्स फील हुआ कि नहीं? अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ एकदम, है ना। और कुछ कमी तो नहीं, मतलब जेट राइड बोर्ड करना था ऐसा कुछ तो नहीं? हमारी बोट जेट राइड से कम थी क्या? स्पीड बोट कितना पानी फेंक रही, पानी फेंक भी रही थी, और आगे बैठे तो उसका फायदा था, है ना, वापस आगे ही बैठने की कोशिश करेंगे। लो जी पहुंच गए बैक टू पताया सिटी। बाप रे उधर कितने इंडियंस थे एक्चुअली, और वहाँ पे हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे इंडियंस ही वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे, फॉरेनर्स तो चिल कर रहे थे एक्चुअली। यस चाचा यस, आ जाओ। चलो अभी बाय बाय मत करो चाचा को, लंच करने के बाद वापस ये छोड़ेंगे अपने को होटल में। हाँ तो जी आपको ऐसे लंच मिल जाता है, क्या ही कोटा ना, आलू मटर हो गया, काली दाल हो गई, सैलेड हो गए, चावल वावल हो गया, और रोटी हो गई, है ना। रोटी में बटर होता तो मजा आता ना, है ना, कोई नहीं। ये बढ़िया चीज है कि 7-Eleven हर जगह मिल जाती है ऐसी कंट्रियों में, काम निकल जाता है। और ये लो आ गई अपनी ट्रैवल लॉज होटल, तो थैंक यू सो मच। खापुंग खाप खापुंग खाप। अरे भाई रुक जा रुक जा। हाँ लो जी अभी क्या करेंगे, हम रेस्ट करेंगे अभी, हम आराम करेंगे 2-3 घंटा, उसके बाद शाम में निकलेंगे ना कहीं, मेरा प्लान है कुछ अच्छी चीज करने का, इसको पता नहीं है, इसको लेके जाऊंगा किधर घुमाऊंगा फिराऊंगा, पता है मैं और अट्रैक्शन दिखाऊंगा, है ना। तो आज का दिन खत्म नहीं होता है, आज का ये वीडियो खत्म नहीं होता है, बने रहिए। 2 hours later हो गई क्या रेडी? हाँ, ये ड्रेस कैसा लग रहा है, सूट हो रहा है मेरे को? हाँ अच्छा लग रहा है, फेयर इनफ, गुड़िया लग रही हूँ। चलो चलो अभी बोलूंगा नहीं अच्छा लग रहा है तो वापस टाइम वेस्ट करेगी। चलो चलो अच्छी लग रही हो, मस्त लग रही हो, चलो। हाँ वो कार्ड ले लो, वो की कार्ड। तो अभी हम तैयार होकर निकल तो पड़े एक शो देखने के लिए, स्पेशल शो है वो, मैं आगे बताऊंगा कौन सा शो है, जाहिर सी बात है पूरा शो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या पेट भरा रहेगा तो आराम से शो देखने में मजा आएगा, बस वही बात है। तो अभी यहाँ पे आए, वैसे तो इंडिया इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है, वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट फुकेत हो गया, बैंकॉक हो गया, पताया हो गया, आपको भरपूर मिलेगा, आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं श्री खोडियार काठियावाड़ी ढाबा। मेनू देखकर मुंह से पानी तो आ ही रहा था, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो रहा था कि क्या मंगाए और क्या ना मंगाए,
इसलिए बहुत सारी चीज़ें मंगा ली। बिल तो तगड़ा आना ही था, लेकिन कोई नहीं, देख लेंगे। थाईलैंड में ऐसा सब खाना मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत। स्पेशली थेपला वगैरह रोटलो मसाला ढोकली, ओए ओए सच कह रहा हूँ, दिल खुश हो गया था हमारा। ओए होए होए मजा आ गया, मतलब पेट फुल हो गया, असली का काठियावाड़ी टेस्ट लग रहा था। अभी अपन क्या करते हैं, टुक टुक पकड़ते और जाते हैं शो देखने के लिए। यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा, मजा आएगा, चलो है ना। तो बस 2 किलोमीटर की राइड थी, टुक टुक से कर दी। 10 बाट पर पर्सन लेता है, वो सही रहता है, 25 रुपया पर पर्सन। और हम पहुंच गए अलकाज़ार शो देखने। जी हाँ, अभी हम देखेंगे पताया का फेमस अलकाज़ार शो, जो कि आज तक मैंने भी कभी नहीं देखा है, सिर्फ सुना है। 8:30 PM या बुक्ड ऑलरेडी। प्रतीक जैन, डिस्कवर थाईलैंड। या थैंक यू That way? Okay, thank you so much. Thank you. I'm excited, okay, nahin? Yeah, excited to see. पता है क्या होगा, मतलब कैसा शो है? सिर्फ ऐसा थिएटर लग रहा है सामने पर्दे के पीछे और आगे बैठे, मतलब क्या परफॉर्मेंस होगा कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, अलकाज़ार शो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कैबरे डांस शो होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड, ट्रेडिशनल होगा, यू नो लाइक वियतनामीज, इंडियन, चाइनीज, थाई, सारे कल्चर के हिसाब से थोड़े बहुत डांस दिखेंगे, मजा आएगा। पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, सच कह रहा हूँ, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम्स, जो मतलब परफॉर्मेंसेस, इनफैक्ट जो भी मतलब बहुत सारे थे, तकरीबन आप कह सकते हो 40-50 लोगों की ये टीम है। और जो परफॉर्मेंसेस, जो कपड़े, मतलब कपड़े कितने महंगे रह गए, पतली पतली हिल्स से जो नाच रही है लड़कियां, ओए होए होए। बस तो अलकाज़ार कैबरे शो होता है ना जिधर, पता है मैं, आप गूगल मैप डालोगे आपको पता चल जाएगा वो है, उसी के सामने ये रोड क्रॉस करते ही मेरे को प्लेन दिखे, मैं बोला ये है क्या, जाके ही पता चलेगा ना। बाहर जैसे ही देख पा रहे हो कि पूरा स्ट्रीट फूड मार्केट है, और ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारे नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के हिसाब से इधर कुछ है नहीं। एनीवेज मैं बता रहा हूँ कि ये प्लेन, पहले मेरे को लगा रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट रहेगी, लेकिन नहीं, कुछ और ही है, मतलब खोखला है अंदर से तो कुछ है नहीं, ऐसे ही शो के लिए रखा रहेगा। नहीं अच्छा, फोटो वोटो खिंचाने का 100 बाट लेते हैं, हमको पता नहीं था भाई, खिंचवा लिया लेकिन फिर देना पड़ा, क्योंकि फिर मांगते तो अच्छा नहीं लगता है ना। खापुन खाप,
नमस्ते इंडिया काबुल का। अरे वाह, तो बस ये वीडियो को यही एंड करते हैं। पूरा दिन का पताया का टूर आपको पता चल गया कि आप क्या क्या कर सकते हो अगर एक दिन में पताया का आपको टूर करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल।